जननम के न्यूट्रिशन सीरीज के इस एपिसोड में बात होगी प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में। इस एपिसोड के अंत में एक्सपर्ट डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता बताएंगी कि गर्भावस्था में क्यों हर्ब्स एंड टॉनिक्स से दूर रहना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अक्सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स को क्रेविंग्स होती हैं फॉर डिफरेंट फूड्स। जब तक आपकी क्रेविंग हेल्दी फूड्स की तरफ है, आप यू कैन इंडल्ज अ लिटिल बिट इन योर क्रेविंग। आपका बेबी कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है व्हेन इट्स गेटिंग फॉर्म्ड, जिस वजह से आपको नौसिया, वॉमिटिंग, इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं। मॉर्निंग सिकनेस को टाइड ओवर करने के लिए आप एक तो सुबह खाली पेट कभी ना उठें, उठने के बाद हमेशा कुछ नमकीन, बिस्किट या इस तरह की कोई चीज़ कंज्यूम करें। जहाँ तक कोकोनट वाटर की बात है, मेरे हिसाब से वो प्रेगनेंसी के लिए एक अमृत है। इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ सर्टन मिनरल्स एंड विटामिंस एंड इट इज़ रिच इन पोटेशियम, और वो आपको बहुत ज़्यादा वेल हाइड्रेट करता है। इट्स अ क्लीन ड्रिंक, नेचुरली अवेलेबल। कोकोनट वाटर से कोई सर्दी खांसी या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दाल वेजिटेरियन फूड का प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सो किसी भी कीमत पे आप दाल को अपने मील से नहीं पुश आउट कर सकते। दाल का आर्थराइटिस से कोई भी रिलेशन नहीं है। जो कच्चा पपीता होता है उसमें ऐसा कहते हैं कि एक इंग्रेडिएंट होता है जिससे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, परंतु जो राइप पपाया है या कम्प्लीटली पका हुआ पपीता है उसको आप सेफली प्रेगनेंसी में कंज्यूम कर सकते हैं। बट अक्सर पके हुए और कच्चे पपीते को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। पाइनएप्पल में इट इज सेड कि ब्रोमेलिन करके एक कंपाउंड होता है विच कैन ओपन अप द सर्विक्स एंड लीड टू प्री मेच्योर लेबर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हाई मात्रा में पाइनएप्पल कंज्यूम करना पड़ेगा। जो हम थोड़ा बहुत पाइनएप्पल खाते हैं उससे नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एंड मैंगो एंड एग्स आर एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, उनका और अबॉर्शन का कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ तक बैंगन का सवाल है, बैंगन एंड अबॉर्शन इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। बैंगन itself is a rich source of iron, और बाकी कुछ vitamins का भी वो rich source है। Fish एक non-vegetarian food में protein का बहुत rich source है। Also vitamin D fish खाने से अच्छी मात्रा में मिलता है। Fish खाने से आपके baby के कुछ skin issues या rashes इस तरह का कुछ relation नहीं होता है। Bitter gourd खाने से या करेला जिसको बोलते हैं, अपने vitamins and minerals मिलते हैं, उसका कुछ भी pregnancy complication से relation नहीं proven है। अब वक्त है जानने का कि गर्भावस्था में हर्ब्स एंड टॉनिक्स क्यों न लें। वी डोंट नो हर्ब्स एंड टॉनिक्स के नाम पर हमको क्या मिले, कौन से मार्केट में क्या हमको इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ मिले। तो हर्ब्स एंड टॉनिक्स ओवरऑल आई वुड से कि हमको अवॉइड ही करने चाहिए प्रेगनेंसी में, बिकॉज वी डोंट नो वो कहाँ से बन रहे हैं, उसमें क्या मिक्स किया हुआ है। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए सुबह कुछ जरूर खाएं। नारियल पानी पोषण से भरपूर होता है। गर्भावस्था के दौरान कच्चा पपीता ना खाएं। गर्भावस्था में आम, अंडे, बैंगन, मछली और करेला लेना सुरक्षित है। गर्भावस्था के दौरान हर्ब्स और टॉनिक्स से दूर रहें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 93942 93942 पर मिस्ड कॉल दें, और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।